यह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के गांव नावली का सरकारी प्राथमिक विद्यालय। वैसे तो ये सरकारी स्कूल है, पर यहाँ की सजावट देखकर लगता है कि ये रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन खड़ी है जिसके आगे इंजन और पीछे गार्ड का डिब्बा है। दरअसल ये पूरी जिलाधिकारी फिरोजाबाद नेहा शर्मा की योजना है कि सरकारी स्कूलों को इस तरह से रंग रूप दिया जाए ताकि इसमें गरीब तबके के बच्चे भी आकर्षित हों और स्कूल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नर्सरी पढ़ने आए, बल्कि उनकी उपस्थिति भी ज्यादा हो। इसी को लेकर 3D पेंटिंग कराई गई है जो दिखने में बेहद आकर्षक लगती है। वैसे देखा जाए तो ये स्कूल जिले का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है जहाँ की आकर्षक पेंटिंग आने जाने वाले लोगों को लुभाती है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे बेहद खुश हैं। नेहा शर्मा जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने बताया है कि उनके दिमाग में ये योजना इस तरह से आई कि इस स्कूल को ऐसा रंग रूप दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर्षित हों। इसी को लेकर ये 3D पेंटिंग कराई गई है। अभी यही नहीं रुकेगा, ये मात्र एक स्कूल आज हुआ है, इसके बाद जल्द ही 10 स्कूलों को भी इसी तरह से पेंट कराया जाएगा। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दीप्ति कुमारी। दीप्ति, अब ये तुम्हारा पूरा स्कूल ट्रेन जैसा हो गया है, कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ, पढ़ने में अच्छा लगता है और खेलने में भी। अब सफाई है तो अच्छा लगता है। लोग देखने भी आते होंगे कि ऐसा स्कूल हो गया है। हाँ, कभी ट्रेन में बैठे हो? हाँ, बैठे तो हैं। ये क्या कहते हैं, अब जो पढ़ाई हो रही है, पहले से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं? हाँ। गांव के आसपास के लोग देखने आते होंगे स्कूल अच्छा हो गया है? हाँ, देखने आते हैं। आराम से खड़े रहो, घबराना नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवरूप। 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 शिवरूप, ये तुम्हारा ट्रेन जैसा स्कूल बन गया है, कैसा लग रहा है? ये ट्रेन जैसा स्कूल बना है, इस दिन से लोग इसे देखने आते हैं और अच्छा भी लगता है, ट्रेन ही लगती है मुझे। कौन सा स्कूल है? उच्च प्रांतीय विद्यालय नगला रघुल नावली, विकास खंड शिकार। अब रोज पढ़ने आओगे? स्कूल अच्छा हो गया है सर, हम रोज ही आते हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? देखिए, बच्चों को स्कूल में एक अच्छा आकर्षक माहौल देने के लिए हम लोगों ने काफी दिनों से प्रयास करते आ रहे हैं और वॉल पेंटिंग्स आप जैसा कि देख रहे हैं जनपद फिरोजाबाद में कई जगहों पर करवाई है। तो इसी कड़ी में एक हम लोगों को विचार आया था कि अगर पूरे के पूरे एक जो कॉरिडोर है उसको एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दी जाए, उस पर ट्रेन खड़ी है ऐसी शक्ल दी जाए और उसको क्यों ना एक स्वच्छता एक्सप्रेस का नाम दिया जाए। तो इस विचार को जब हम लोगों को लगा कि एक आध स्कूल पर इसको देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आप वो स्कूल देखकर आए हैं, उसमें बहुत अट्रैक्टिव मोड में ऐसा लगता है कि ट्रेन खड़ी हुई है और बच्चे भी इस पूरे आकर्षण की वजह से स्कूल्स में आने के लिए प्रेरित होते हैं और ये पूरी जो एक्सप्रेस बनाई गई है एक स्वच्छता का संदेश देने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो SBM चल रहा है उसमें स्वच्छता का संदेश देने के लिए भी इस पूरे
वॉल पेंटिंग को हम लोगों ने यूज किया है। ये क्या आगे और स्कूलों में भी कंटिन्यू किया जाएगा? जी, अभी एट ए टाइम तो हम लोगों ने 10 स्कूलों में ये कार्रवाई शुरू की है, धीरे धीरे करके, खास तौर पे जहाँ पे बड़ी लॉन्ग बिल्डिंग है और हाईवे के किनारे के या रेलवे ट्रैक के किनारे के जो स्कूल्स हैं उन पर हम लोगों का विचार है कि इसको इस तरह से बनवाया जाए। अभी आप